मैं आपके माध्यम से सबसे पहले इस सदन का सभी पक्षों की सरकार की ओर से शिक्षा विभाग की ओर से आभार प्रकट करता हूं। 40 से ज़्यादा सम्माननीय सदस्यों ने अपने बहुमूल्य सुझाव इस विधेयक के बहाने पे सबके सामने रखा है। मैं सबको सभी ने जो मूल विषय के लिए आज चर्चा हो रही है आंध्र बाइफर्केशन बिल में विधेयक में तेलंगाना और आंध्र में दो राज्यों में दो ट्राइबल यूनिवर्सिटी की प्रतिश्रुति थी, कमिटमेंट था, जिम्मेवारी थी। एक का 2018 में हो गया था और आज वो अवसर आया है। अधीर रंजन जी ने सही कहा, जब आंध्र तेलंगाना में एक नया सरकार बन रही है और बाबा साहेब आम्बेडकर जी की पुण्यतिथि हम कल मनाएं, उस समय में एक तेलंगाना में एक नई जनजाति विश्वविद्यालय को स्थापना करने में इस सदन सर्वसम्मत अपना अभिव्यक्ति प्रकाश किया। मैं इसी के लिए भी सर्वसम्मति के लिए, शिक्षा ऐसा एक विषय है जिसमें अमूमन सर्वसम्मत सभी होते हैं, पद्धति के बारे में किसी की थोड़ा सुझाव और किसी की थोड़ा अलग पद्धति भी रहता है, लेकिन एंड प्रोडक्ट के बारे में सब सब अध्यक्ष जी आपके अनुमति लेके अधीर रंजन जी को तो कई बार सकारात्मक नहीं केवल आलोचना ही करनी है डिसाइड करके आते होंगे आप। अध्यक्ष जी आजकल अधीर रंजन जी प्रधानमंत्री जी आजकल थोड़ा समय समय पर देश के नौजवानों को संबोधित करते हैं, उनका हौसला बढ़ाते, ये भी तो बुला करो। अध्यक्ष जी आपकी अनुमति से जिस विषय में आपने कहा एक दो विषय पे, मैं निश्चित रूप में चीजों को स्पष्ट करना उचित मानूंगा, लेकिन मैं हमारी प्रजातंत्र की ये ब्यूटी है, ये उपलब्धि है, कुछ विषय में आज हम एकमत हो पा रहे हैं और ये जब सदन नई सदन बनी है आपके नेतृत्व में, हम आज एक महत्वपूर्ण विषय में समाज की वंचित वर्गों के बारे में हमने समक्का सरक्का एक महत्वपूर्ण जनजाति महोत्सव है तेलंगाना में, सदियों से कई राज्यों की, ना केवल तेलुगु भाषा भाषी आंध्र और तेलंगाना, पड़ोस की महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड की कुछ जनजाति इस समक्का सरक्का की उत्सव के साथ मडेरमा जात्रा, इसकी पूरा नाम समक्का सरक्का मडेरमा जात्रा, जिस जिले में है मुलुगु जिले में, संयोग से बहुत मशक्कत के बाद कई मित्रों ने ये विषय उठाया कि इतना देरी क्यों हुई, इसीलिए देरी हुई कि तेलंगाना सरकार स्थान तय कर नहीं पा रही थी इसको कहाँ करना, बारंबार अनुरोध करने के बाद उन्होंने फाइनली एक स्थान दिया, भारत सरकार ने आज कैबिनेट ने पहले निर्णय हुआ था और आज इसकी एक विधेयक आपके माध्यम से पारित होगा, समक्का सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, लगभग 900 करोड़ रुपया व्यय की व्यवस्था के साथ इसको बनाया जाएगा। ये शीघ्र ही उसकी आज की आपके अनुमोदन के बाद ये प्रक्रिया को आगे ले जाया जाएगा। मैं मानता हूँ कि ये एक बहुत हमारी व्यवस्था में, पहले मध्य प्रदेश में एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनी थी, बाद में इसी सरकार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सौभाग्य मिला देश में और दो ट्राइबल यूनिवर्सिटी, एक आंध्र प्रदेश में और एक तेलंगाना में बनाने के लिए सौभाग्य मिला। उत्तर उसी में अध्यक्ष जी हो जाता है, सिर्फ कल्पना करने से, स्लोगान देने से शासन व्यवस्था नहीं चलता है, करने से चलता है। मोदी जी सौभाग्यशाली है, वो करते ही है, इसीलिए उनके ऊपर जनता की विश्वास है, भरोसा है, हमें वो सौभाग्य मिला आज उसको करने के लिए। अध्यक्ष जी मैं एक आज की सदन की चर्चा में एक विषय ने सभी ने चिंता किया और मैं, मेरे तो मोह हो रहा था सभी की नाम लेके, मैं हमारी बहन श्रीमती सुनीता मुद्गल जी से लेके नेता विरोधी दल
मुदगल दुगल 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 आप नहीं, आप गार्डियन हो, आप ही के दायित्व है कान पकड़ के ठीक करना, लेकिन बार बार उठना नहीं दादा सेल्फी के बारे में। मैं उतर दूंगा उसका, मैं दूंगा उत्तर, मैं आपका उतावलापन समझ सकता हूँ। अधीर रंजन जी को आजकल खुश नहीं करना पड़ता, आपको ही खुश करना पड़ता है, दीदी को भी करना पड़ता है, भतीजा को भी करना पड़ता है, इसलिए चार बार आप उठे आप बैठिए, मैं उत्तर आपको भी दूंगा। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।